क्या आप जानते हैं अगर आपके बच्चे को ADHD यानी कि अटेंशन डिफिशियट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ये बीमारी अगर है और आप अपेक्षा कर रहे हैं या फिर आप उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं। यूजुअली ऐसे होता है, माँ बाप बोलते हैं बच्चों को कि ऐसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर, तो ये तरीका पूरी तरह से गलत है, इस तरह से हम उसको ठीक नहीं कर सकते। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कारण है जिसकी वजह से ADHD हो सकता है और ट्रीटमेंट किस तरह से इसकी करनी चाहिए। ये वीडियो उन सभी माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके बच्चे हाइपर एक्टिव है, उनके साथ कैसे व्यवहार करें ये आप इस वीडियो में जानेंगे। इसे पूरा अवश्य देखिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, ADHD के बारे में पहले वीडियो में मैंने डिटेल में ADHD होता क्या है और इसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं ये बताया। 2-3 प्रकार भी इसके मैंने बताए। अब इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ADHD होता क्यों है, इसका कारण क्या है। ऐसा पाया गया है स्टडीज में कि माताएं जो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दरमियान अगर माँ को स्ट्रेस है, टेंशन है, या वो खुद भी ADHD की शिकार है, उनके फैमिली रिलेशंस में भी किसी को ADHD है फैमिली में, यानी कि पिता की तरफ या माता की तरफ, दोनों में से कोई उनकी फैमिली में कोई अगर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है या उनको भी ADHD की हिस्ट्री है, बचपन में ADHD था, तो ऐसा देखा गया है कि ये अनुवंशिकता से आता है बच्चों में भी। उसी के साथ जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, बहुत सारे पेशेंट्स के जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, जब पूछते हैं डिटेल में, तो पता चलता है कि वो बहुत डरे हुए रहते हैं प्रेगनेंसी में। कुछ पेरेंट्स में मैंने देखा है कि दे डोंट वॉन्ट टू कंसीव, उनको प्रेगनेंसी रखना ही नहीं थी, बस रह गई, और फिर वो कलह उनके दिमाग में चलता रहता है, रखना है नहीं रखना है, रखना है नहीं रखना है, एंड दे बिकम रेस्टलेस, बहुत परेशान हो जाते हैं वो। कभी कभी हस्बैंड और वाइफ दोनों के झगड़े रहते हैं और वाइफ बहुत परेशान रहती है, झगड़े के मूड में रहती है या फिर बहुत ज़्यादा खुद को कोसती रहती है। सो दैट माइट बी द कॉज ऑफ ADHD। इन कारणों की वजह से भी अटेंशन डिफिशियट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो है ये हो सकती है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। मैंने दो चीज़ें आपको बताई, एक तो गर्भावस्था बताया, दूसरा बताया अनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ केमिकल इम्बैलेंस अगर ब्रेन में हो जाए वो भी एक कारण इसमें रह सकता है। मुख्यतः प्रेगनेंसी से रिलेटेड कारण इसमें बहुत प्रोमिनेंटली पाए गए हैं, और फिर मेडिकल साइंस में ऐसा भी कहा गया है कि एग्जैक्ट कारण क्या है वो हम ढूंढ नहीं पाते हैं। कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से ये होता है। लेकिन इससे भी ज़रूरी पार्ट अभी है कि अगर आपके बच्चे को ये तकलीफ है तो ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो भी कारण है, जो होना था वो हो गया, अब ज़रूरी है इसको ठीक कैसे किया जाए। ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रीटमेंट में दो प्रकार की ट्रीटमेंट होती है, एक होती है मेडिसिनल ट्रीटमेंट, एक होती है काउंसलिंग। क्योंकि ये बिहेवियरल डिसऑर्डर है, बिहेवियर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, इसलिए काउंसलिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग किसने करना चाहिए, तो काउंसलर से भी आप काउंसलिंग ले सकते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप काउंसलिंग ले सकते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कि बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना। सबसे इंपॉर्टेंट रोल माता पिता का इसमें होता है। तो पहली बात तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको ज़रा ध्यान से समझिए। अगर आपके बच्चे को ADHD है तो ये आने वाले 2-4 मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहला सिद्धांत है कि वो बच्चा खुद भी जानता नहीं है कि उसको ADHD है और आपको उसको बताना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। अब वो जो बिहेवियर कर रहा है, जिस तरह से वो आपके साथ बर्ताव कर रहा है, घर में बर्ताव कर रहा है, इट्स ऑल ऑटोमेटिक बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़, वो नोइंगली ऐसा नहीं कर रहा है। तो आपको ये सबसे पहले समझना है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर एखादा बच्चा 10th में फेल होता है तो मेरा सवाल यह है आपसे कि क्या वो जानबूझ के फेल हुआ? डेफिनेटली नहीं। उसकी एबिलिटी यानी कि क्षमता उस एग्जाम को देने में कम हो गई, वो कर नहीं पाया। आप भी देखिए, आप लाइफ में जहां जहां पे भी फेल हुए हैं, खुद से पूछिए क्या आप जानबूझ के फेल हुए? नहीं, डेफिनेटली नहीं, आप कर नहीं पाए, आपकी इच्छा थी। उसी तरह से वो बच्चा अभी करंट सिचुएशन में वो डील नहीं कर पा रहा है,
उसको पता ही नहीं है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। अब आपको सबसे पहला काम करना है एडीएसडी के बच्चों में, उनको ब्लेमिंग करना बंद करना है। तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू तो एक जगह रुकता ही नहीं है, ये ब्लेम करना बंद कर दीजिए। क्योंकि सिंपल सा सिद्धांत यहाँ पे काम करता है, अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जिस बात पे आप ज़्यादा अटेंशन डालोगे, आप क्या देख रहे हो, वो भाग रहा है, वो दौड़ रहा है, वो भूल रहा है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है, वो घबरा रहा है, ये सब लक्षण जो है उसी के ऊपर आप फोकस करोगे। और बच्चे को भी वही 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 बार बार बोलोगे तो वही बड़ा होगा। आपका रोल है आपको अभी क्या चाहिए उसके ऊपर फोकस करो। दूसरा, उसको आप हेल्प कीजिए। इन बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हेल्पिंग के लिए मोटिवेट करना। अगर उसने कोई एक्टिविटी ऐसी की जो बहुत बढ़िया है, सो अप्रिशिएट हिम, उसको बहुत अच्छा प्रोत्साहित कीजिए, उसको आप रिवार्ड दीजिए। अवार्ड्स और रिवार्ड्स, ये फार्मूला आपने यूज़ करना ही है, इसको समझिए। अवार्ड्स और रिवार्ड्स, कुछ भी अच्छा किया, अरे बेटा ये तूने तो बहुत ही अच्छा किया, चल मैं तुझे एक चॉकलेट दे रहा हूँ, अरे ये तू तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, ये मैं तुझे ये दे रहा हूँ। सो अवार्ड्स मिलने के बाद में, रिवार्ड्स मिलने के बाद में, अप्रिसिएशन मिलने के बाद में, ये अप्रिसिएशन की भूख और बढ़ जाती है। फिर बच्चे ऑटोमेटिकली वो चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे और वैसा करने लगेंगे। दूसरा, आपने पहला मैंने बताया उनको ब्लेम नहीं करना है, उनको रिवार्ड्स और अवार्ड्स देना है, उनको अप्रिशिएट करना है। उसके बाद में उनको मदद करना है आपने, वो जो भी काम करे उनके साथ रह के उनको मदद कीजिए, क्योंकि वो कर नहीं पा रहे। आपका व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका व्यवहार उनके प्रति कैसा है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप कभी भी गुस्से से ये बच्चों से बात मत कीजिए, प्यार से बात कीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, दे आर अनेबल टू परफॉर्म। सो नाउ एज अ पेरेंट, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प योर चाइल्ड। उनके साथ रहिए, उनके साथ बैठिए, उनको मदद कीजिए। और एक सबसे सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने करना है एज अ पेरेंट, और ये काम तो करना ही करना है आप कितना भी बिजी रहे, और वो है बच्चों को वक्त दीजिए। वक्त बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों को अटेंशन नहीं मिला है कहीं तो भी, अटेंशन डेफिशिएट है, इस शब्द को समझिए, अटेंशन की कमी है। अटेंशन यानी कि ध्यान की कमी है। तो वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए शायद ऐसा कर रहे हैं, तो आपका काम है कि आपका वक्त उनको दीजिए। और जब आप बच्चों को वक्त देंगे तो पूरे समय तक उनके साथ रहिए, मोबाइल पे मत रहिए, उनके साथ खेलिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब और एक पांचवी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको करनी है, ये समझिए कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो आपको बच्चों को बहुत ही पॉजिटिवली देखना है और उनकी एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जाए। आउटडोर गेम्स उनको खेलने को लगाइए, वो एग्जॉस्ट होना चाहिए। खुद से सवाल पूछिए, ये सवाल तो लिख के रखिए घर में, अगर आपके बच्चों को ADHD है तो ये सवाल लिख के रखिए कि क्या मेरा लड़का आज थक गया खेल खेल के। और अगर जवाब ना है तो ऐसी एक्टिविटीज़ तैयार कीजिए, उसके इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़, आउटडोर गेम्स, उसके साथ खेलना, मस्ती करना, कूदना, ये सब कीजिए, ताकि उसकी एनर्जी जो है एग्जॉस्ट हो जाए, और फिर ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर में आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। इसके बाद का इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है काउंसलिंग करना। अब आप एक्सपर्ट नहीं है काउंसलिंग में, तो आप किसी एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, उनसे काउंसलिंग करवाइए, आपका भी काउंसलिंग करवाइए, बच्चे का भी काउंसलिंग करवाइए। आपको भी कुछ चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, वो भी सीखिए। और एक आप चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको मेडिसिन देना है, ये पॉइंट तो बहुत क्लियर मैं करना चाहता हूँ आपसे, अगर आपको दवाई लेना है तो आप अच्छे डॉक्टर के पास कंसल्ट करके ही दवाई लीजिए, या फिर होम्योपैथिक की ही मेडिसिन लीजिए। क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, खासियत यहाँ पे समझने जैसी ये है कि होम्योपैथी बीमारी के ऊपर दवा नहीं देती है, इस बात को समझिए। होम्योपैथी दवाई देती है बच्चे के कंस्टिट्यूशन के ऊपर। हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, इसके लिए अलग से मेडिसिन है, हर उसकी एक्टिविटी के लिए अलग अलग दवाइयाँ है, उसके स्वभाव के हिसाब से, उसकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से, उसके बिहेवियर के हिसाब से, उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, वो किस तरह से बात करता है, डरता किस तरह से, इन सब कैटेगरीज़ के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन होम्योपैथी में है, जो बहुत ही डीप एक्टिंग होती है और उसके पूरे शरीर में बदलाव कर पाती है। सो ADHD के लिए होम्योपैथी से बेस्ट ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से तो हो नहीं सकती है, आप होम्योपैथी ही बच्चों को दीजिए, जो बिना साइड इफेक्ट के है और बच्चों को पूरी तरह से ठीक कर सकती है।
सो इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक बार फिर से बताता हूँ, बच्चों को हेल्प कीजिए, उनको समझिए, उनको अंडरस्टैंड कीजिए, आपके व्यवहार को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, उनके उनको काउंसलिंग कीजिए, होम्योपैथी दीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए और ध्यान रखिए ये अच्छे हो सकते हैं, पूरी तरह से 100% ठीक हो सकते हैं। इसमें आपका एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, खुद को एजुकेट कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए। धन्यवाद।